बात करते हैं भोपाल की। आज से फिर हड़ताल पर हैं जूनियर डॉक्टर, ओपीडी के साथ इमरजेंसी वार्ड में भी काम नहीं कर रहे हैं। पिछले आंदोलन में भी कार्रवाई वापस लेने की मांग की गई थी। प्रदेश के पांचों मेडिकल कॉलेज में हड़ताल चल रही है, 3000 जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं है। तो आज फिर से हड़ताल पर हैं जूनियर डॉक्टर, ओपीडी के साथ इमरजेंसी वार्ड पर भी कोई काम नहीं हो रहा है और पिछले आंदोलन में भी कार्रवाई वापस लेने की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। कारण ये है कि जून में जो जूनियर डॉक्टर ने 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की थी, उसके बाद 3 जूनियर जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर पीजी के छात्र हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के तहत उनका जो पंजीयन है वो नष्ट कर दिया गया है। यही कारण है कि आज से प्रदेश भर के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और उनका कहना है जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हड़ताल जारी रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। तो जूनियर डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे, आप लोगों की क्या मांग है और कब तक आप लोग हड़ताल जारी रखेंगे? देखिए, हमारी इस बार कोई मांग है नहीं। हमने जब पिछली बार स्ट्राइक की थी तो जो हमारे जूडा के ऑफिस बैरियर थे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का एक नोटिस निकाला गया है। हम बस ये चाहते हैं कि ये नोटिस वापस लिया जाए सरकार का। अगर हमारे आंदोलन को ऐसे दबाया जाएगा तो फिर मतलब डेमोक्रेसी में कोई आंदोलन करेगा ही कैसे? आप जो हमारे ऑफिस बियर उनका दमन करोगे तो गलत है ना। डेमोक्रेसी में अधिकार है हमें भी अपनी आवाज उठाने का। तो हमारी एक डिमांड है कि वो नोटिस वापस लिया जाए बस। जूडा के प्रेसिडेंट अरविंद मीणा भी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपने जून में भी हड़ताल की थी और अब आप फिर से मजबूर हुए हैं, क्या कारण मानते हैं? सरकार के आश्वासन के बाद हम हड़ताल का जो निर्णय लिया हमने वापस लिया, क्योंकि हम देख रहे थे किस तरह से डॉक्टरों की सबसे ज़्यादा जरूरत है इस प्रदेश में। जब कोविड काल था हम बार बार अपनी जो जिम्मेदारी उसको समझते हुए हमने वापस आंदोलन लिया। अब जब आंदोलन समाप्त होने के बाद में उसने चुनिंदा जो लोग हैं, 2-3 लोग हैं, उन पर दोषात्मक कार्रवाई करते हुए उनका पीजी का होने वाला जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया। उसके लिए भी हम 1 महीने तक वेट करते रहे। हमने बार बार माननीय मंत्री जी से मिलने की कोशिश की, विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया कि ये जो अनुचित कार्रवाई है इसको वापस लिया जाए ताकि इस तरह की सिचुएशन ना बने। कि जूनियर डॉक्टर जब हड़ताल के बाद वापस काम पर लौट गए थे, इस तरीके का उनके ऊपर कार्रवाई करने की गई है जिसके चलते उनको भड़काने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि वो आज से हड़ताल पर चले गए हैं और उनका कहना है जब तक उनका पंजीयन निरस्तीकरण का जो आदेश है वो वापस नहीं लिया जाता है जब तक वो इसी तरीके से हड़ताल पर डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन विजय सेज करके साथ आकर्ष शर्मा।